हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस पी जाना। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्नर डा। अभी तक हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, राइट? तो ये इस टॉपिक पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने एडिशन वाली या सब्सट्रैक्शन वाली या फिर मल्टीप्लिकेशन वाली कोई भी चीज़ें मिस की हो तो आप ज़रूर पिछले वीडियोज़ में जाके देख ले, ताकि आपको हेल्पफुल साबित हो इंटीजर्स चैप्टर को समझने में, राइट? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को, राइट? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ रूल्स कि कैसे कैसे डिवीजन किया जाता है इंटीजर्स में, उसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी जानेंगे, ताकि हम लोग को इस चैप्टर को इंड करने में आसानी हो। मतलब ये हमारी क्या होने वाली है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमारी लास्ट लेक्चर होने वाली है इंटीजर्स चैप्टर की, राइट? इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के बेसिस पे करेंगे, ताकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे, राइट? तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँ बच्चों कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का काफ़ी बेनिफिट है, राइट? जैसे आप लोग कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट ही करते हो अपने भाइयों बहनों में, मान लो कि घर में आपके पास कुछ चॉकलेट्स हैं, तो चॉकलेट्स हैं तो आप भाइयों या बहनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उस समय लड़ाई ये सब हो सकती हैं। तो इस बेसिस से भी अच्छा है कि आप डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ लो, ताकि क्या हो कि आप डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी हो आपको, और उस समय एक दूसरे में कोई लड़ाइयाँ ना हो, राइट? तो इसी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक होने वाला है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में फर्स्ट रूल है हमारा, व्हेन वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर्स बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ नेगेटिव रिजल्ट, राइट? तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और दूसरी भी क्या होती है हमारी, एक नेगेटिव इंटीजर होती है, तो हमारा रिजल्ट क्या होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया 48, उसको हम लोगों ने -6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारा -8 आया आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंटीजर ली 48 को और एक नेगेटिव इंटीजर ले ली जो कि है -6, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं, 6 से डिवाइड करें 48 को तो 8 ही आएगा, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव साइन जोड़ देना है, जिससे क्या हो कि ये हमारा आंसर राइट आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ये भी ले सकते हैं, जैसे हम लोगों ने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 49, सेकंड एक नेगेटिव इंटीजर हम लोगों ने ले लिया -7, राइट? तो -7 से सिमिलरली हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, -7 आया। जैसे हम लोग सिंपली कैसे डिवाइड करते हैं, एक दो पॉजिटिव इंटीजर रहा तो मान लो कि आप 7 से डिवाइड कर रहे हो 49 को, तो हम लोग सिमिलरली ऐसे करते हैं ना, 7 7 या 49, मतलब 7 7 टाइम्स वी गॉट व्हाट, 49, और उसमें हम लोगों को क्या कर देनी है, माइनस साइन लगा देनी है, राइट? तो ये प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है। अब इसी रूल का सेकेंड पार्ट क्या है, When we divide negative integer by a positive integer, we get a negative integer. Similar है बच्चों, यहाँ पे भी हमारा negative result आ रहा था, यहाँ पे भी negative result आ रहा है, बस यहाँ पर एक ही changes है कि शुरुआत में हम लोग को क्या लेनी है, negative integer लेनी है, और second में हम लोग को क्या लेनी है, एक positive integer लेनी है। तो हम लोग ने क्या किया, -66 एक negative integer हम लोगों ने ले लिया, और 11 क्या किया हम लोगों ने, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया, मान लो कि आपने पहले 66 ही को ले लो और उसको आप 11 से डिवाइड करो, क्या आता है, 6 आता है, और हम लोग को लास्टली क्या करना है, नेगेटिव रिजल्ट लाना है, तो उसमें आप क्या कर दो, -6 कर दो, मतलब माइनस साइन लगा दिया हम लोगों ने, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, -6। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ कि हम लोगों ने -63 को लिया और क्या है, 9 को लिया सेकंड में, तो हम लोगों का क्या हुआ, 9 7 जा कितना होता है, 63, मतलब 9 7 टाइम्स वी गॉट 63। तो 7 यहाँ पे क्या हुआ, हमारा
न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, और हम लोग को क्या करना है, नेगेटिव रिजल्ट लाना है, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक माइनस साइन दे देनी है। तो ये रूल से हमें क्या पता चला बच्चों कि यदि हम लोग को क्या होगा, अनलाइक इंटीजर्स होंगे, जैसे कि एक पॉजिटिव हुआ तो एक नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव हुआ तो एक पॉजिटिव होगा, तो उस समय क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिजल्ट आएगा। मतलब अनलाइक साइन वाले में क्या होगा, अनलाइक साइन वाले में हम लोग को क्या मिलने वाला है, नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है। हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एक नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और अब हम लोग सेकेंड केस की बात करें तो रूल नंबर सेकेंड में क्या है बच्चों, व्हेन वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि हम यदि एक पॉजिटिव इंटीजर लें और दूसरी भी इंटीजर हमारी क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमें क्या मिलने वाला है, एक पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल की तौर पे देखें, जैसे हम लोगों ने क्या लिया, 93 लिया और उसको हम लोगों ने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिला, 31, जो कि ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो ऐसे हम लोग नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं, जैसे 3 से हम लोगों ने डिवाइड किया 93 को, तो 3 3 times 9 एंड वी पुट 3, देन 3 1 times 3, मतलब वी गॉट 31 इन आंसर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ कि जैसे हम लोग क्या किए, 9 से डिवाइड दिए 81 को, 81 भी यहाँ क्या आया, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सेकेंड हमारी क्या है 9, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हम लोग को मिला भी क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि हमारा क्या है 9, राइट। सेकेंड हमारी रूल क्या है, व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि हम लोगों ने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर -100 ले लिया, और सेकेंड हम लोगों ने क्या किया, एक और नेगेटिव इंटीजर ले ली, जैसे कि हम लोगों ने -2 ले लिया, तो यदि हम लोग डिवाइड करें 2 से 100 को तो क्या हुआ, 50 आया, राइट। और यहाँ पर माइनस माइनस साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। जैसे हम लोगों ने इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया तो हम लोगों का क्या आंसर आएगा, 50। सिमिलरली सेकेंड हम लोग एग्जाम्पल लें तो क्या आ रहा है, -76 हम लोगों ने लिया, सेकेंड हम लोगों ने क्या लिया, -2 ली, तो यहाँ से 2 से यदि हम लोग 76 को डिवाइड दें तो माइनस माइनस तो कैंसिल होने वाली है, राइट। और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से 2 से हम लोग यदि डिवाइड दें 76 को तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, सॉरी 2 3 6, 7 से 6 हम लोगों ने घटाया तो क्या हुआ 1, और यहाँ पे हम लोगों ने 6 पुट कर दी, 2 8 कितना हो गया 16, तो हम लोग को क्या आंसर आया 38, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 38 आया, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यदि हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब क्या हो रहा है, यदि हम लोग सिमिलर साइन वाला ले लें, हम लोग का क्या हो, सिमिलर साइन हो, तो हमारी आंसर क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाली है हमारी, राइट। तो यदि हम लोग सिमिलर साइन वाला लें तो हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगी। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा बच्चों, यदि हम लोग फर्स्ट रूल ने देखा कि अनलाइक साइन वाली हो, जैसे कि एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव नंबर हो, तो उस समय क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिजल्ट आने वाला है। इसका सिमिलर सेकंड में क्या है, नेगेटिव यदि
फर्स्ट ले, सेकंड पॉजिटिव ले, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। और सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा, एक पॉजिटिव नंबर लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव ही नंबर लेते हैं, तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। और सेकंड में क्या है, यदि हम लोग एक नेगेटिव नंबर लेते हैं और दूसरी भी एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो हमारी क्या आएगी, एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगी, राइट। तो इसमें क्या हुआ, सिमिलर साइन वाला हुआ तो पॉजिटिव आएगी, और अनलाइक साइन वाला हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगी, राइट। हम लोगों ने अभी देखा रूल्स ऑफ डिवीजन के बारे में, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन्स में हम लोग पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट रूल हमारा क्या है। तो फर्स्ट रूल कहता है, इफ टू इंटीजर्स आर अंडर डिवीजन ऑपरेशन, इट मे और मे नॉट गिव एन इंटीजर, राइट। तो इस स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है बच्चों, यदि हम लोग दो इंटीजर लें और उसको डिवीजन के ऑपरेशन में डालें, तो क्या होगा कि हमें एक इंटीजर मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। ऐसा क्यों, तो देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया 18, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया 9 से, तो 9 से डिवाइड करने पर क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2, जो कि क्या है, एक इंटीजर है, राइट। अब हम लोग मान के चलते हैं कि 7 लिया हम लोगों ने और 22 से उसे डिवाइड करना स्टार्ट किया, तो क्या हो रहा है कि 7 से को जब हम लोग 22 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये तो ऑब्वियसली है कि कैंसिल आउट होगा नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो ये क्या रह जा रहा है, एज इट इज रह जा रहा है, मतलब एक फ्रैक्शन की तरह रह जा रही। और हम लोग क्या जानते हैं, इंटीजर क्या होती है, जो भी नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर होगी या फिर जीरो होगी या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर होगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो क्या है, 7/22 एक फ्रैक्शन की तरह है, तो सो ये इंटीजर नहीं बोल सकते इसे, और ये इंटीजर है, मतलब ये जो है फर्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है कि हम इंटीजर भी ले सकते हैं और ये इंटीजर नहीं भी हो सकता है, राइट। सेकेंड रूल हमारा क्या है, इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाई इट्सेल्फ इट गिव्स यूनिटी एज अ रिजल्ट, इंटीजर मस्ट नॉट बी अ जीरो, राइट। तो यदि हम लोग एक इंटीजर लें और उसे क्या करें, खुद से डिवाइड करें, मतलब वो इंटीजर अपने आप को खुद से डिवाइड करें, तो वो क्या देगी, यूनिटी देगी, मतलब यूनिटी मतलब क्या देगी, 1 देगी रिजल्ट में, राइट। और इंटीजर क्या नहीं होना चाहिए, 0 ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे हम लोगों ने लिया 25 और 25 को 25 से हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड किया, तो क्या हुआ हमारा आंसर, 1, राइट। सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, एक इंटीजर ले ली 65 और उसको क्या किया, 65 से डिवाइड किया, तो क्या आया हमारा आंसर, क्या आया, 1 आया, राइट। उसी तरह हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर भी ले लें, मान के चलिए हम लोगों ने ले लिया -70 और उसको डिवाइड किया हम लोगों ने -70 से ही, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसमें भी यूनिटी आ रही, मतलब हमारी आंसर क्या आ रही है, 1 आ रही है। और यहां पर 0 क्यों नहीं लेना है बच्चों, क्योंकि हम लोग 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये क्या होती है, इन्फिनिटी जाती है, मतलब ये कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मीनिंगलेस होती है, ये आने वाले हम लोग रूल्स में देखेंगे कि क्यों होती है, राइट। थर्ड रूल हमारा क्या है, इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाई 1 वी गेट द नंबर इट्सेल्फ, राइट। तो यदि हम लोग कोई भी एक नंबर लें और उसको क्या करें, 1 से डिवाइड करें, तो वो नंबर हमें जो ओरिजिनल नंबर है वो मिल जाएगा, राइट। जैसे हम लोगों ने एक नेगेटिव इंटीजर ली -65 को हमने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, तो हमें एज इट इज वो नंबर मिल गई, कौन सी नंबर, -65, राइट। उसी तरह हम लोगों ने एक नंबर लिया 0 और उसको क्या किया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो 1 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आंसर आया, हमारा आंसर एज इट इज क्या आया, 0 आ गया, ठीक है। तो हमारा इस थर्ड वाले रूल से क्या पता चला कि हम लोग यदि कोई इंटीजर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, यूनिटी से डिवाइड करते हैं, मतलब 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि वो नंबर हमें
खुद ब खुद मिल जाती है, मतलब एज इट इज जो नंबर थी वो हमें मिल जाती है। जैसे कि -65 को देखा हम लोगों ने, 1 से डिवाइड किया तो क्या आया हमारा -65, एज इट इज वो नंबर आ गई। और क्या हुआ कि 0 से हम लोगों ने क्या किया, 0 को हम लोगों ने क्या किया, 1 से डिवाइड किया, तो एज इट इज हमारा क्या आंसर आया, 0। राइट, फोर्थ नंबर रूल में क्या करा है बच्चों, इफ 0 इज डिवाइडेड बाई अदर इंटीजर्स, राइट, इट गिव्स 0 एज अ रिजल्ट। यदि हम लोग क्या करें, 0 को डिवाइड करें कोई दूसरे नंबर से, दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, राइट। बट इफ अदर इंटीजर्स आर डिवाइडेड बाई 0, इट बिकम्स मीनिंगलेस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, राइट। तो यदि हम लोग क्या करें कि दूसरे इंटीजर्स को लें और उसको क्या करें, 0 से डिवाइड करें, तो वो हमारा कोई मतलब का बात नहीं रहेगा, राइट। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 0 को 65 से डिवाइड किया, तो ऑब्वियसली क्या है, 0 है इस रूल के अनुसार, क्योंकि हम लोग 0 को क्या कर सकते हैं कि किसी भी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा हमारा एज ए रिजल्ट, 0 ही आने वाला है। लेकिन यदि हम लोगों ने क्या किया, उसी नंबर 65 को ऑर्डर चेंज करके इधर ला दिया और 0 को उधर भेजा हम लोगों ने, तो 0 से यदि हम लोगों ने 65 को डिवाइड किया, तो ये नंबर क्या हुई, मीनिंगलेस, मतलब इसकी कोई वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा इस प्रॉपर्टी कि हम लोग यदि दो इंटीजर्स लें उस पर डिवीजन ऑपरेशन हम लोग लागू रखें, तो क्या होगा, हमें एक इंटीजर मिल भी सकती है या नहीं भी मिल सकती। सेकेंड रूल में हमारा क्या है, इफ एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाई इट सेल्फ इट गिव यूनिटी, मतलब हम लोग एक नंबर लें और उसको खुद से डिवाइड करें तो हमारी आंसर क्या आएगी, यूनिटी। लेकिन इंटीजर क्या नहीं होनी चाहिए, 0 ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड रूल में क्या है हमारा, एक इंटीजर लेते हैं हम लोग और उसको 1 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, नंबर इट सेल्फ, मतलब वो नंबर खुद ब खुद आ जाएगी, मतलब कोई नंबर में चेंजेस नहीं आएंगे। लास्ट रूल हमारा क्या कर रहा है, यदि हम लोग 0 को क्या करें, दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा एज ए रिजल्ट। और यदि हम लोग अदर्स नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो क्या होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा मीनिंगलेस होगा, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, फिफ्थ रूल, इफ वी टेक 3 फॉर डिविजन इट विल नॉट शो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अनटिल द लास्ट इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें क्या बताया जा रहा है बच्चों, यदि हम लोग 3 इंटीजर लें और उसको डिवीजन के अंदर डालें, तो क्या होगा, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस समय तक शो नहीं करेगी जब तक लास्ट इंटीजर क्या नहीं हो, 1 नहीं हो, राइट। तो लास्ट इंटीजर देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये परफेक्ट हो पाता है या नहीं इस रूल के लिए। तो इस रूल के लिए हम लोगों ने देखा एक एग्जाम्पल लेके, जैसे कि हम लोगों ने दिया 8 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया और लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया। तो फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने 8 और 4 को रखा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। और 2 को हम लोगों ने लास्ट में 2 से डिवाइड दिया, तो हमारा क्या आंसर आया, 1, राइट। उसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, दूसरे मेथड से किया, जैसे कि हम लोगों ने सेकेंड बार में क्या किया कि 4 और 2 को एक ग्रुप में रख दिया और 8 को एज इट इज फर्स्ट ग्रुप में रख दिया। तो यहाँ पे 4 और 2 को यदि हम लोग डिवीजन के अंदर डालें, तो ये क्या हमारा आंसर आता है, 2। तो 8 को जब हम लोगों ने 2 से डिवाइड दिया, तो क्या है हमारा आंसर आया, 4। तो यहाँ पे 1 आ रहा है आंसर हमारा और यहाँ पर 4 आ रहा है आंसर, मतलब ये दोनों में डिफरेंस हो रही है, यदि हम लोग का लास्ट इंटीजर क्या नहीं हो, 1 नहीं हो। अब हम लोग लेके देखते हैं कि लास्ट इंटीजर यदि हमारा क्या हो, 1 हो, तो क्या होता है। तो लास्ट इंटीजर यदि हम लोग 1 लेते, तो वही हम लोग 8 और 4 को फर्स्ट ग्रुप में डाल दिए, तो हमारा आंसर क्या आया, 2। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने लास्ट में 1 से उसे डिवाइड दिया, तो 1 से डिवाइड दिया, तो हम लोगों का क्या आंसर आ रहा है, 2 एट लास्ट। और फर्स्ट में जो हम लोगों ने किया था उसी को दोबारा हम लोगों ने किया और 8 को क्या रखा, फर्स्ट ग्रुप में, और 4 और 1 को सेकंड ग्रुप में रखा। तो सेकंड ग्रुप में रखने के बाद क्या हुआ बच्चों, यदि हम लोग 4 को 1 से डिवाइड दिए, तो 1 से डिवाइड देने पर क्या हमारा आंसर आया, 4।
और लास्टली हम लोगों ने 8 को 4 से डिवाइड दिया तो क्या हमारा आंसर आ रहा है 2। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि 2 और 2 डिफर नहीं कर रहा है, मतलब सिमिलर हो जा रहा है। तो यहाँ इस रूल्स का कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों, यदि हम लोग 3 इंटीजर्स लें और तीनों अलग अलग हों और लास्ट में 1 इंटीजर ना हो तो हमारा आंसर डिफर करेगा, और क्या होगा यदि हमारा लास्ट इंटीजर 1 हो तो हमारा आंसर डिफर नहीं करेगा। उस समय हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेगी कौन सी वाली, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, राइट। लास्ट हमारा क्या है इसका प्रॉपर्टी, इफ वी टेक ए बी सी आर नॉन जीरो इंटीजर्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, देन फर्स्ट केस इज व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय सी व्हिच इज ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाय सी इफ सी इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो इस स्टेटमेंट का क्या कहना है बच्चों, यदि हम लोगों ने ए बी सी नंबर लिया और ए क्या है बी से बड़ी नंबर है, राइट, तो ये फर्स्ट वाला क्या है रूल फॉलो करना चाहिए, जो कि बताया जा रहा है कि ए को हम लोगों ने सी से डिवाइड दिया जो कि ग्रेटर होना चाहिए बी से, जब हम लोग सी से डिवाइड देंगे बी को तो उस समय क्या होना चाहिए, सी क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो उसका एक एग्जांपल लेके देखें, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया तो 36 लिया है ए, मान लो कि 36 लिया हम लोगों ने, बी हम लोगों ने क्या लिया 27 ली, और 9 क्या लिया जो कि सी नंबर हम लोगों ने लिया, एक पॉजिटिव नंबर हुआ। तो यदि हम लोग 36 को 9 से डिवाइड करें और 27 को भी 9 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है 4, यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट होके क्या आ रहा है 3। तो ऑब्वियसली क्या है, हम लोगों ने क्या देखा 4 ऑब्वियसली बड़ी नंबर है 3 से, राइट। अगला इसका हम लोग ये लें तो a डिवाइडेड बाई c बोला जा रहा है, लेस देन होना चाहिए b डिवाइडेड बाई c से, यदि c क्या हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, राइट। तो इसका भी एक एग्जांपल लें, तो जैसे हम लोगों ने 36 लिया जो कि ग्रेटर है 27 से और -9 लिया जो कि एक नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर सी कौन सा नंबर है -9, 27 कौन सा नंबर है जिसको हम बी बता रहे हैं, और 36 किसको बोल रहे हैं जो ए को हम लोग बोल रहे हैं, राइट। तो 36 को जब हम लोगों ने -9 से डिवाइड दिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है -4, और -9 से यदि हम लोगों ने 27 को डिवाइड दिया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों -3। तो इस हिसाब से क्या हम लोगों ने देखा कि -4 छोटी नंबर है -3 से, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा प्रूव हुआ। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने क्या देखा, फिफ्थ वाले में यदि हम लोग 3 इंटीजर ले रहे हैं उसको डिवीजन के अंदर डाल रहे हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस समय शो करेगी जब लास्ट इंटीजर हमारा क्या होगा 1 होगा, अदरवाइज ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए शो नहीं करती है। सिक्स्थ हमारा क्या पॉइंट था कि यदि हम लोग ए बी सी नॉन जीरो इंटीजर्स लें उसमें क्या हो ए बड़ा हो बी से, तो हमारा फर्स्ट क्या शो करेगा, ए को यदि हम लोग सी से डिवाइड करें विच इज ग्रेटर देन बी से, यदि हम लोग सी को डिवाइड सी बी को हम लोग सी से डिवाइड करें और सी हमारा पॉजिटिव नंबर हो तो ये फर्स्ट वाला रूल फॉलो होगा। अब सेकेंड वाला रूल क्या कह रहा है कि यदि ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन हो जाए बी डिवाइडेड बाई सी, यदि सी क्या हो एक नेगेटिव इंटीजर हो। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, यदि फिर भी कोई क्वेरीज रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको आपके साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।